देखो कितना बुरा हाल है, इतने पानी पानी हो जाए यहाँ पे। जो मकान है कुछ दिन में गिरने वाला, अब एक दिन में फट तो गया, फट गया वो सारा, गिर जाएगा नीचे। इतना निकलने का रास्ता है, चारों तरफ बिटोड़े वगैरह सब गिर गए। जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव उबारपुर में बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। यहां बेहतर जल निकासी न होने से गांव में तालाब बन गया, जिससे घरों के मकान की नींव कमजोर हो रही है। ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। देखो कितना बुरा हाल है, इतने पानी पानी हो जाए यहां पे। जो मकान है कुछ दिन में गिरने वाला, अब एक दिन में फट तो गया, फट गया वो सारा, गिर जाएगा नीचे। इतना निकलने का रास्ता है, चारों तरफ बिटोड़े वगैरह सब गिर गए। इधर ये दिखाओ मकानों की हालत, इधर बिटोड़ा देखो कितने डट रहे हैं। ए पानी, ये मकान में, ये मकान में जो पानी, इस मकान में पानी नीचे भर गया, अंदर भी भर गया। हालत बहुत खराब है, सामने वाले मकान वे सब उनकी हालत खराब होगी, वो भी गिरने वाले हैं। अगर एक दिन भी पानी भर गया, तालाब की भी ले, सारे मकान गिर जाएंगे। तालाब की इधर से होकर ये तालाब देखो, तालाब की स्थिति खराब है। ये तालाब की स्थिति देखो जी, डट्टम डोला आ गया, क्या होएगा। यहाँ स्थिति खराब है मकानों की, ये मकान कुछ दिन में अब गिर जाएंगे, एक दो दिन में नीचे पानी भर गया, तीन दिन हो गए भरे भरे पानी। ठीक है, क्या गांव में बाढ़ आ गई और गांव में जो घर हैं ये भी गिरेंगे। इतना बुरा हाल है, रास्ते में पक्का रास्ता है, इसमें पानी भर गया, बताओ कैसे होगा। इतने दिन हो गए रास्ता ही बना, बड़ी मुश्किल में इसमें भी पानी भर गया। गाँव में कहीं नाले का रास्ता नहीं है, रास्ता बनवाने के लिए कई बार कोशिश कर ली, कई बार दे दिए कागज भी, परंतु आज तक नहीं बना। अब यहाँ रास्ता भी नहीं है, और कहनी पड़ेगी एमपी साहब से, विधायक से ऊपर भेजनी पड़ेगी, तो गांव के लिए नाला बन जा। अन्य नाले के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ना निकलने का रास्ता है, नहीं गांव कुछ दिनों में गाँव के लिए भी सब रह जाएंगे। बहुत बुरा हाल है, महाराज कहो अब यहाँ से आ जाइए। बता दें कि शनिवार को जनपद हापुड़ में तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। इस दौरान हाफिजपुर क्षेत्र के गांव उबारपुर में ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गईं। बेहतर जल निकासी न होने से गांव में जल भराव हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं की गई तो मकान की नींव कमजोर हो जाएगी। मकान में पानी नीचे भर गया, अंदर भी भर गया। हालत बहुत खराब है, सामने वाले मकान वे सब उनकी हालत खराब होगी, वो भी गिरने वाले हैं। अगर एक दिन भी पानी भर गया।